नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट, और इस शॉर्ट वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे दवाई के बारे में जिसका इस्तेमाल करते हैं नशा छुड़ाने के लिए। उस दवाई का नाम है डी एल्को टैबलेट। फ्रेंड्स, डी एल्को टैबलेट जैसे नाम बताता है, ये इस तरह की टैबलेट के रूप में मिलती है और इस तरह की इसकी स्ट्रिप होती है। एक बॉक्स में ऐसी 6 स्ट्रिप्स होती हैं। फ्रेंड्स, आप पूछ सकते हैं कि कौन से नशे को छुड़ाने के लिए डी एल्को टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर प्रकार के नशे को छुड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि टैबलेट के साइज को देखते हुए और इसके टेस्ट को देखते हुए ये स्पष्ट है कि चोरी छिपे तो ये दी नहीं जाएगी। इसलिए जिस व्यक्ति को भी नशा छोड़ना है, पहले उसको बताइए, उसको समझाइए कि नशा छोड़ने के क्या क्या फायदे हैं और डी एल्को टैबलेट किस तरह से उस व्यक्ति को फायदा करने जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति खुद दृढ़ संकल्प नहीं होगा, उसको डिटर्मिंट नहीं होगा, तब तक वो नशा नहीं छोड़ पाएगा और डी एल्को उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप इसे चोरी छिपे नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को मोटिवेट करिए और उसके बाद जितना ज़्यादा नशा हो उतनी हैवी डोज में, या फिर अगर बॉडी वेट कम है तो 2-2 टैबलेट 3 बार, नहीं तो 4 बार या 5 बार या 6 बार, जैसे जैसे बॉडी वेट ज़्यादा हो वैसे वैसे इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। कभी कभी जब नशा छोड़ते हैं या कम करते हैं तो उस नशा करने वाले व्यक्ति को कुछ तकलीफें होती हैं, उनको कहते हैं विथड्रॉवल सिम्टम्स। ये विथड्रॉवल सिम्टम्स कभी कभी बहुत सीवियर भी होते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है, और कभी कभी ये घर में मैनेज हो जाते हैं। इसलिए नशा छोड़ने की बात जब भी आए तो किसी एक क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर के पास चाहिए, वही डी एल्को टैबलेट को इस्तेमाल करेंगे और वही विथड्रॉवल सिम्टम्स को भी मैनेज करेंगे। इसमें क्या हो सकता है, खासतौर पर कई बार व्यक्ति को बहुत चक्कर आते हैं, बहुत उल्टी आती है, तो जब चक्कर आते हैं तो इसमें हम एक टैबलेट साथ में और दे देते हैं, इसका नाम है दुरालभा। तो ये भी नशा छुड़ाने में भी हेल्प करती है और चक्कर कम करने में हेल्प करती है। अगर उल्टी बहुत आती है तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन रसायन औषध, ये अर्क है। इसमें क्या करते हैं कि 4-5 बूंद 1 गिलास पानी में डालते हैं और थोड़ा 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 उस व्यक्ति को पिलाते हैं जिसे उल्टी हो रही हो, धीरे धीरे उल्टी बंद हो जाती है। और अगर ज़्यादा उल्टी हो जाए, पानी कम होने लगे, तो पानी में हम मिलाते हैं अमृतोज, जिसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि शरीर में उल्टी से या लूज मोशन से कम हो जाते हैं। तो पानी की कमी ना हो तो इसके लिए 1 गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच अमृतोज डाल के ये पिलाया जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि नशा छोड़ने के टाइम पे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए विटामिन्स वगैरह दिए जाने चाहिए। तो इसके लिए हमारी एक टैबलेट है, मिनोविट टैबलेट। ये सुबह शाम एक एक टैबलेट या सुबह दोपहर शाम दी जाती है, या फिर अकेली एक टैबलेट आती है शिलाजीत टैबलेट, तो शिलाजीत टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम। फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम आती है अक्सर जब नशा छोड़ने की बात आती है, कई बार उस पर्सन को नींद नहीं आती है, बेचैनी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होती है माइंड में। तो ऐसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारे पास एक मेडिसिन है, स्ट्रेसिल टैबलेट। स्ट्रेसिल टैबलेट का काम यही है, ये मन को शांत करती है और जो एक रेस्टलेसनेस उस व्यक्ति में आती है उसे भी कम करती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, उनमें हो जाती है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन से निकालने के लिए भी कोई मेडिसिन ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है एलिवा टैबलेट। तो एलिवा टैबलेट 1 या 2 टैबलेट हम लोग दिन में 3 बार देते हैं। अब अगर किसी ने बहुत लंबे समय तक अल्कोहल लिया है यानी दारू पिया है, तो हो सकता है लीवर बहुत कमज़ोर हो गया हो, तो ऐसे में हमारे पास एक टैबलेट है लिवी टैबलेट, जो 1-1 टैबलेट दिन में 2 बार या 3 बार हम लोग देते हैं, लगातार देते हैं, जिससे धीरे धीरे लीवर ठीक होने लगता है। फ्रेंड्स, मोटे तौर पर दवाई तो हमारे पास डी एल्को ही है जो कि नशा छुड़ाने में काम आती है, लेकिन
उसके साथ जो और जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके लिए हमने और भी औषधियों का नाम लिया है। लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ कि नशा छुड़ाने का काम दो, इसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जिसने नशा छोड़ना है पहले उसे पूरी तरह से समझाइए, मोटिवेट करिए, उसकी काउंसलिंग करिए, नंबर एक। और दूसरा, नशा छुड़ाने का काम हमेशा किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। ये सारी दवाइयाँ विशेष रूप से DL को एक क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर की देखरेख में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार के और कौन से वीडियोज़ आप चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो दूसरे लोगों में भी शेयर करिए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना और नशा करने वाले व्यक्तियों का खास तौर पर ध्यान रखें।